कुछ अजब ही है भाई। देखो एंटर को फुल फैमिली चार जन जा रहे हैं। हम लोग के यहाँ अपना जब से ट्रैफिक लाइट लगा है तब से ना हम लोग के यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ चुका है। गाड़ी को ना जितना सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक रखो ना तभी बढ़िया लगता है। बहुत दिन से सोच रहा था ना कि ये एंटक को रैप करवाना है और ये अपना बागर बिल्ला जो धूप सेक रहा है। सो ये एंटक को ना फुल ब्लैक किया हुआ है तो हम लोग ने फुल ब्लैक कर दिया था। ये अपना छोटा भाई का गाड़ी है सो इसमें वाइजर भी लगा हुआ है। तो इसको आज लेके जाएंगे नीलकंठ भैया के पास, मतलब संजय भैया के पास, जो हम लोग का गुवाहाटी का सबसे पुराना रैप का दुकान है। आज का ना एंगल थोड़ा आप लोग को डिफरेंट लग सकता है क्योंकि ना मैं तो हमेशा बाइक से ब्लॉक करता हूँ ना, तो आज ये थोड़ा एंगल डिफरेंट होने वाला है। मैं स्कूटर में ना एंटो चला के ना बहुत मज़ा आता है और भाई सब पावर अच्छा है ना। हे गाइस कैसे आप लोग, होप यू गाइस आर डूइंग ऑल वेल, वेलकम बैक टू माय चैनल डीबीएस, लेट्स राइड एंड एक्सप्लोर। भाई ये एंटो ना कुछ अलग ही भाई चला के बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अपना छोटा भाई का है और भाई ने बहुत अच्छा से मेंटेन किया है। मतलब मैंने विकास भाई के भी एंटो चलाया था, उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं था पर ये ना बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो नीलकंठ भैया को फ़ोन किया था, मतलब हम लोग का संजय भैया को, संजय भैया ने बोला तुम आ जाओ, क्या क्या करवाना है मैं सब कर दूंगा। तो ठीक है, मुझे ना एक हेडलाइट चाहिए था। मैंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम में एक हेडलाइट देखा था, वो मैंने बहुत जगह पे खबर किया क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बड़ा बाइक एसोसिएशन का डिस्ट्रीब्यूटर है जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा है, उसको मैंने फ़ोन किया था। उसके पास भी ना भाई वो लाइट नहीं था, तो मैं ये लाइट आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग को अगर कहीं मिलता है ना आप लोग कॉमेंट से ज़रूर बताइएगा भाई। ये लाइट ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगा है मुझे और आप लोग को भी सुंदर लगेगा, पर ये लाइट मिल नहीं रहा है मेरे को। और मैं ना भाई ये लाइट लगाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ। मतलब ये लगाने से ना अपना एंटोर्क ना मतलब नॉर्थ ईस्ट में सबसे यूनिक एंटोर्क बन जाएगा। कुछ अजब ही है भाई, देखो एंटोर्क को फुल फैमिली चार जन जा रहा है भाई। फुल फैमिली, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है पर उपाय नहीं रहता ना, लोगों को ये थोड़ा संभाल के चलाना चाहिए। और अपना ये एंटोर्क ना थोड़ा डिसेंट था पर भाई को पसंद है फुल ब्लैक, तो भाई ने फुल ब्लैक करवा के रखा है। भाई गाड़ी ना देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को ना एक बार 360 व्यूज का दे दूंगा। और आज ना भाई ट्रैफिक और ट्रक भी बहुत ज़्यादा है, आज मैं लगभग 5-6 ट्रक ओवरटेक करके आया हूँ, आज भाई ट्रक ही ट्रक है। हिंदी के तरफ दिखा था तो जो जो ना गुवाहाटी से ब्लॉग देख रहे थे उन लोग सोच सकता है कि मैं रैप से क्यों नहीं करवाता भाई, पर उन लोग का बिहेवियर ना बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे ना फिनिशिंग इतना खास नहीं लगता उन लोगों का। और उन लोग भाई इतना लेट करता है ना भाई, इतना पकाते रहता है, इसलिए मैं रैप से को जितना हो सके अवॉइड करता हूँ भाई। मुझे ना अच्छा नहीं लगता उन लोग का बिहेवियर। हम लोग का सब लाइट्स को स्मोक कर देंगे और इंडिकेटर में कुछ ग्राफिक्स बनाएंगे और 2-3 स्टिकरिंग करना है, उतना ही करना है। गाड़ी को ना जितना सिंपलिस्टिक मिनिमलिस्टिक रखो ना तभी बढ़िया लगता है। ज़्यादा स्टिकरिंग करने से ना मतलब कचरा कचरा दिखता है ना, वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना। लगभग 2-3 दिन बाद से ना ये रास्ता लगभग हफ्ते भर के लिए बंद हो जाएगा क्योंकि भाई क्रिकेट मैच चालू होने वाला है ना। 4-5 वार्म अप मैच मिले हम लोग का गुवाहाटी को। भाई एक ना प्रॉपर मैच मिलना चाहिए था पर प्रॉपर मैच नहीं मिला, वार्म अप मैच ही मिला है और ये रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा। अभी दोपहर का 3:30 बज रहा है, 3:45, और ना अभी इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो आप लोग सोच सकते हो ऑफिसर में हम लोग का यहाँ पे क्या हालत होता होगा। भाई हम लोग के यहाँ पे ना ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ख़राब हो चुका है। तो मैं एक फनी बात बताना चाहता हूँ, हम लोग के यहाँ पे ना जब से ट्रैफिक लाइट लगा है तब से ना हम लोग के यहाँ पर ट्रैफिक बढ़ चुका है। भाई ट्रैफिक लाइट लगाने से ट्रैफिक कम होना चाहिए पर हम लोग के यहाँ पे ऑपोजिट हो चुका है, हम लोग के यहाँ पे बढ़ चुका है। फाइनली आके पहुंच चुके संजय भैया के पास, दी नीलकंठ आर्थ। तो थोड़ा मोरा रैप का काम है हम लोगों का, जल्दी हो जाना चाहिए। फाइनली आके पहुंच चुका और अपना काम भी स्टार्ट हो चुका है। और बैद में से कि ना संजय भैया नहीं है तो संजय भैया उनसे बढ़िया था, तो अपना भाई है, भाई काम कर रहा है। अभी अपना प्लान है कि डियर्स को हम लोग कलर कर देंगे, लाइट को स्मोक नहीं करेंगे, रात को प्रॉब्लम हो जाएगा स्मोक करने से, और इंडिकेटर सब स्मोक कर देंगे और इसका ना ये तेल लाइट स्मोक हो जाएगा। हाल फिलहाल अपना गाड़ी थोड़ा गंदा है पर आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करूँगा, आप लोगों को रैप करवाना चाहते हैं फुल बॉडी या थोड़ा बड़ा करने से ना, नहीं वॉश करने से भी हुआ, पर अगर आप लोग फुल बॉडी रैप करते हैं ना तो बाइक को एक बार वॉश करके लेके आएगा, तो वॉश करने से क्या होता है ना ये सर्फेस ना एकदम क्लीन हो जाता है और आपका ग्राफिक्स भी अच्छा से चिपकता है। आज हम लोग को ना एकदम ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 20-30 मिनट्स में काम हो जाना चाहिए, तो होप फॉर द बेस्ट। भाई भी बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है क्योंकि आज उन लोगों का स्टाफ बहुत ज़्यादा कम है और भाई अकेला ही है, और भी बाइक्स आ चुका है तो उसको भी रैप करना है ना, तो इसलिए भाई बहुत स्पीड में काम कर रहा है। फाइनली अपना सामने का 2 इंडिकेटर बन चुका है और भाई गाड़ी ना डेंजरस लग रहा है, डेंजरस लग रहा है। एक बार मैं हेजर्ड जला के दिखाता हूँ।
डैब लग रहा है भाई। अभी तो अपना DRL भी रैप होना बाकी है ना, उसके बाद तो काटी लेगा सामने से ये गाड़ी। फाइनली सामने का पूरा हो चुका है, अभी रात का इंतजार है, रात को कैसा दिखेगा अभी ये देखना है। वैसे तो बहुत अच्छा दिख रहा है दिन में भी, अभी रात का सिर्फ इंतजार है। फाइनली अपना जो पीछे का काम भी चालू हो चुका है, एक इंडिकेटर हो चुका है और एक बन रहा है, और भाई ये सिर्फ बैकलाइट को रैप करना है। मतलब गाड़ी का ना लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। अपना गाड़ी पूरा बन चुका है, तो भाई ने बोला उसके हेलमेट का ग्लास को थोड़ा रैप करना है, तो वहाँ पे अपना भाई ग्लास रैप कर रहा है हेलमेट का। और भाई गाड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैं यहाँ पे सिनेमैटिक शूट नहीं करूँगा, मैं घर जाके थोड़ा अंधेरा होने के बाद ही शूट करूँगा भाई। गाड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रात में से और भी ज़्यादा चमकेगा। सब कम हो चुका है और लगे हाथ ये स्टिकर भी लगा लिया और अपना हेलमेट भी हो चुका है भाई। मज़ा लग रहा है ब्लैक कलर हेलमेट को, और शाम भी हो चुका है। फाइनली सब काम हो चुका है, अभी निकलने का बारी भाई। काम ना बहुत ही अच्छा हुआ है। आया था लगभग 4 बजे, अभी 5:10 हो रहा है। सो भाई ने तो बोला था आधा घंटा में करके देगा, पर हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा काम करवा लिया इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। वैसे भी ना रैप करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये ना फिनिशिंग का काम है ना, और अभी जाते जाते शाम भी हो जाएगा तब लाइट देखने में अच्छा लगेगा ना, तब एक सिनेमैटिक भी दिखा दूंगा आप लोगों को। और हम लोग का जो प्राइस लगा है वो था 380 रुपीज़ भाई। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में काम हो जाता है, मतलब दूसरा कई जगह जाने से ना उन्हें लोग लगभग 700-800 रुपये लेते हैं इतना काम का। तो हम लोग का काम जो है 380 में हो चुका है। मैं 350 बोला था पर वो भाई ने 380 लिया है। संजय भाई से डायरेक्ट बात में तो ठीक था, संजय भाई भाई जो देता है वही ले लेता है, तो पर वो भाई था ना, भाई को तो 380 चाहिए तो दे दिया 380। वैसे भी ना वो बहुत कम लिया है। हम लोग का यहाँ का वेदर ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठंडा हो रहा है भाई, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। अभी तो शाम हो रहा है ना, और आज धूप नहीं निकला था इसलिए भी ठंड हो सकता है। मतलब उतना ज़्यादा ठंड नहीं, ठंड ठंड फील हो रहा है। जैसे रात को निकलने से एक ठंड फील होता है ना, वो ठंड अभी फील हो रहा है। आके पहुँच चुका हूँ टीवी तो, और भाई यहाँ पर ठंड है भाई, और यहाँ पर आया हूँ मैं सिनेमैटिक शूट करने के लिए। अभी यहीं पर रुकेंगे और बढ़िया से सिनेमैटिक शूट करेंगे। आप लोगों को सिनेमैटिक कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। और सामने जो हम लोग हेडलाइट में जो 3K ना DRL पे, वो ज़्यादा ना कैमरे में समझ में नहीं आ रहा है पर आंखों में ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। चलिए मिले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ और जय श्री राम।